मुंबई 1980 सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा। गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से लहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sonylive.com। तो अब आरंभ करते हैं अंगूठी ढूंढने की रस्म। वो अजबदे और फूलकंवर भी आ जाते तो हा? इनकी मांगे तो अभी से बढ़ती जा रही है। देखिए बाजीराज। अरे चक्रपाणी, इनकी मांगे बिल्कुल न्याय संगत है। अब देखिए, आपके लिए यहाँ आपके साथ इतने सारे मित्र उपस्थित हैं और उनके लिए उनके साथ उनकी एक भी सखी नहीं है। ये तो घोर अन्याय है। सौभाग्यवती, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी बुला कर लाते हैं उन दोनों को। कहाँ है ये अजबदे? इस समय उनसे बात करने के लिए हमारा मन कितना छटपटा रहा है और वो दिख ही नहीं रहे। एक तो अजबदे नहीं दिख रहे हैं, ऊपर से हमारा भ्रम बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ देखो वहाँ कुंवर प्रताप। लगता है अब तक आपको अजबदे नहीं मिले, नहीं? लगता है सचमुच कुंवर प्रताप है। हम आपको चिढ़ा नहीं रहे, हम तो आप ही के लिए आए हैं यहाँ। सच? आप हमारे लिए आए यहाँ? और क्या, वो आपको और अजबदे को अंगूठी ढूंढने वाली रस्म के लिए ढूंढा जा रहा है। आप चलिए, हम अजबदे को लेकर आते हैं। हाँ। इस तरह खड़ी क्यों है आप? जाइए। जब तक कहीं नहीं दिख रहे, इसका अर्थ हुआ कि वो अपने लक्ष्मी के पास होगी। बाबू को सारी बात हम नहीं बोलनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों उन्हें हमें लेकर अपने सामने बोलने आरंभ कर लिए। और हमें इस बात का सबसे ज्यादा विस्मित हो रहा है लक्ष्मी, कि बाबू कभी गलत नहीं होती है और उनके सपने। लक्ष्मी आप ही बताइए कि हम कैसे निकले इस दुविधा से बाहर। अच्छे काम कर, हमारी दोनों उंगली में से किसी एक उंगली को पकड़िएगा। बाएं वाली उंगली को पकड़ा मतलब माँ सही है, और दाएं वाली उंगली को पकड़ा मतलब माँ सही नहीं है। अभी सोच क्या रही है लक्ष्मी, पकड़िए ना, अपने मुंह से छू लीजिए। अच्छा, आपको संकोच हो रहा है, ठीक है, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। देखिए लक्ष्मी, सोच समझ के चुनिएगा, चुनिए लक्ष्मी, पकड़िए ना, पकड़िए। चूड़ियां बनाने वाले हम और आप कौन होते हैं? चूड़ियां तो पहले से भगवान के घर से बनकर आते हैं। आप में वो हर गुण कूट कूट कर भरा है जो एक महापुरुष अपनी अर्धांगिनी में देखना चाहता है। क्षमा कीजिए, हमें लगता है कि हमने आपकी गलत उंगली पकड़ ली, इसलिए आप इतनी दुखी हो रही है ना। वैसे वास्तव में ये गलती हमारी नहीं है, ये जो आपकी लक्ष्मी है ना, ये गलती उनकी है। इन्हें ऐसे चुपचाप नहीं खड़े रहना चाहिए था। वैसे हमारी मानिए तो आप इन्हें प्रशिक्षित करने में थोड़ा समय निकालिए, तब ये आपकी अधिक सहायता कर पाएंगी। वो क्षमा चाहते हैं। अजबदे, आप यहाँ है, हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। आप भी ना सचमुच अपने मन के स्वच्छंद स्वामिनी है, अब तक नहीं गई ना आप विवाह समारोह में? वो हमें अजबदे से
बहुत आवश्यक बात करनी थी। हमें भी आपसे एक आवश्यक बात कहनी है। चलिए। अरे वाह, हमारी आज्ञा का उल्लंघन। आपको पता है हम कब से ढूंढ रहे थे आपको? हम भी आपको कब से ढूंढ रहे थे फूल। अच्छा, क्यों? वो हमें आपसे एक आवश्यक बात कहनी है। आवश्यक बात? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो पहले आप अपनी बात कहिए। वो एक विशेष व्यक्ति को लेकर है। कौन विशेष व्यक्ति? किसकी बात कर रही थी आप? देखिए फूल, हमें लगता है इस समय हमें विवाह मंडप पर ही चले जाना चाहिए। नहीं अजबदे, हमें भी आपको अपने मन की बात बतानी है और हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है। यदि ऐसी ही बात है तो पहले आप बताइए। हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं वो एक विशेष व्यक्ति को लेके है। अरे वाह, आपको भी किसी व्यक्ति को लेके बात करनी है? हमने बहुत सोचा, सचमुच हमने बहुत सोचा। नहीं नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। फूल, क्या हो गया है आपको? अभी तक तो आप इतनी उतावली हो रही थी। अच्छा, तो आप पहले बताइए ना अपनी बात। नहीं नहीं, हमें बातचीत के शिष्टाचार निभाने चाहिए। पहले आप ही ने तो बोला था कि आपको अपने मन की बात बतानी है, तो पहले आप ही बताइए। नहीं अजब, पहले आप। नहीं नहीं फूल, पहले आप। हम भी तो यही कह रहे थे फूल, कुंवर प्रताप आ गए हैं। हमने सौभाग्यवती को वचन दिया है कि हम आप दोनों को लेकर आते हैं और आप दोनों को यहाँ से अंगूठी की रस्म में भाग लेने के लिए ले जाए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वो हमारी प्रतीक्षा करने के लिए हमें क्षमा करें। चलिए फूल, हम बाद में भी बातें कर सकते हैं। हमारी भी कभी कभी इच्छा होती है कि यदि हम भी अजबदे की तरह सरलता के साथ रह पाते। हमारा भी मन करता है कभी कभी कि जिस सरलता के साथ कठिन से कठिन बातें बोल लेती है फूल, हम भी उतनी ही आसानी से बोल पाते अपनी बातें। कुछ कहा आप लोगों ने भी? चलिए। किसी पे भी नहीं, संदूक पे भी भरोसा मत कीजिएगा। और किसी, चलिए अब मैं आपको इस मुहिम का खाका समझा देती हूँ। ये है वो रस्सी जिसे झूमर बांधा जाने वाला है। पुराने झूमर को निकाल के नया झूमर बांधने वाले हैं। मैंने आपके लिए एक खंजर भी चुना है। आपका बस इतना काम है कि वो। हमारा क्या काम है हम बताएंगे आप बताएंगे? हम बताएंगे। हमें आप पे भरोसा नहीं करना है, हमें आप पर विश्वास नहीं करना है, हमें आपकी मदद नहीं करनी है, समझिए आप। पर क्यों? क्यों पूछना है तो हमारी टांग को पूछिए। सर्वप्रथम आपके कारण इस पे खंजर लगा और घाव लगा, तत्पश्चात आप प्रताप को लेके आई हमें खोजने हैं तो हमें खिड़की से कूद के बाहर जाना पड़ा, दोबारा हमें उसी घाव पे घाव लगा। और आप क्यों पूछ रही हैं? आप देखिए, अगर मैं वो नहीं करती तो अब हम क्या करेंगे ये सुन लीजिए आप। हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम जा रहे हैं। क्या है? मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे आपको मुझ पर भरोसा हो जाए। हम आप पर सेवक, झूमर को ऊपर उठाओ, उठाओ, हाँ, और ऊपर, और आज इस समारोह कक्ष को अच्छे से सजा दो। आज के समारोह की सजावट अब स्मरणीय होनी चाहिए ताकि लाल भाई जी का नृत्य और भी मनमोहक लगे सर उठा के। जी बावड़ा हो गया और जा मन
यदि आपकी ये योजना भी सफल ना हुई तो खुदा ना खास्ता अगर मुहिम को सर अंजाम देने में आप पकड़े गए तो मेरे पास एक दूसरी चाल भी तैयार है। ना कोई चाल बचेगी और ना हम बचेंगे। यदि हम पकड़े गए ना तो कुंवर प्रताप हमें वहीं पे और हम यही अपने दुश्मन को समझने की कमी नजर आती है आप में राव सुल्तान। पिछले कुछ दिनों में मैं प्रताप को आपसे बेहतर समझ चुकी हूँ। वो शहंशाह से अलग है। सजा और जज़ा दोनों ही मामले में वो किसी भी कीमत पर अपने उसूलों पर ही चलना चाहेगा। चक्रपाणी, हाँ आप कर सकते हैं। सौभाग्यवती चलिए शीघ्र, हमें पता है आप ही जीतेंगे। चक्रपाणी कीजिए, ढूंढिए चकमनी। चक्रपाणी ये गलत है, आप सौभाग्यवती की सहायता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सौभाग्यवती को ही जीतना है और अभी की तरह हमें पूरा जीवन हारना है इनसे, तो विधि का विधान क्यों बदले? अरे रुकिए रुकिए, क्या कहा आपने? सौभाग्यवती इसलिए जीतेंगे क्योंकि आप उन्हें जीतने देंगे, बल्कि इसलिए नहीं क्योंकि वो जीतने के योग्य है। नहीं फूल, चक्रपाणी का ये मतलब नहीं था। नहीं अजबदे, यही मतलब था चक्रपाणी का। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ज्योतिषी हैं, हमें सब पता है इन बातों के बारे में। देखिए चक्रपाणी, सदा चलाक मत बनिए, अब ठीक से खेल खेलिए। और वैसे भी सौभाग्यवती को जीतने के लिए आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है ना सौभाग्यवती? हाँ हाँ, हमें सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ही जीतेंगे। अरे आप सब लोग इतना गंभीर क्यों हैं? ये तो केवल एक खेल है। खेल हो चाहे युद्ध, जीतेंगे तो हमारे ही मित्र। अच्छा तो देखते हैं। तो भाग्यवती आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जीतेंगे तो हम। अरे ये गलत तरीका है, आप ऐसे संघर्ष हो या युद्ध जो भी किया जाए उचित होता है। भाग्यवती को अंगूठी मिल गई, चक्रपाणी आप हार गए। केवल इस बार, पर अगली बार हमारे मित्र ही जीतेंगे। ये रही अंगूठी। देखा, हमारे मित्र बाजरस प्रताप को हारना आता ही नहीं। हारने का अभ्यास तो हमें भी नहीं, देखते हैं अगले चरण को। ठीक है, तो फिर देखते हैं। वधू ये दोनों हैं। ये गलत है, आप हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। आपने अभी भी कहा था ना कि युद्ध और खेल में सब उचित होता है। चलिए ठीक है, फिर भी हम खेल के नियमों का सम्मान कर लेते हैं। हमें दान में नहीं चाहिए जीत। अच्छा थी, अब आप खेलेंगे हमारी ओर से, मतलब सौभाग्यवती की ओर से।
देखिए अपने प्रश्न कुंडली और बताइए जीत किसकी होगी। जीत चाहे किसी की भी हो, हमारा खेल तो हो गया। एक योग्य और गुणी विरोधी से हारने में जीत का सुख मिलता है। कुंवर प्रताप, अब आप चाहे जितने भी तर्क देते अपनी हार को तर्क संगत बताने की, सच तो ये है कि हमने सौभाग्यवती को जिता दिया। हमने तो पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी और देखो हमारी भविष्यवाणी बाजरस प्रताप तक नहीं बदल पाए। बात तो ठीक कह रहे हैं चक्रपाणी। बिल्कुल, ये हमारे मित्र चक्रपाणी मेवाड़ के सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी है। अब भी ना बाजीराज, छोड़े ना। तो आप कुंडली देख के हमारा भी भविष्य बता सकते हैं? बुरा मत मानिए पर हम तो बता चुके हैं। क्या? नहीं, ये तो बस रुचि हमारी। अच्छा चलिए बताइए अजब्दे का भविष्य। एक व्यक्ति इन्हें बहुत दुख दे रहा है आजकल। क्या दुखी कर रहा है? कौन है वो अजब्दे, हमें बताइए, हम उससे बात करते हैं। ये वैसे वाला दुखी करना नहीं है बाजीराज। अजब दे उसकी कारण भयंकर युद्ध छिड़ा है आपके मन और मस्तिष्क के बीच। अब क्या होगा? जिसे आज आप असंभव समझ रही है वो संभव हो सकता है, किंतु आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपने आप से, क्योंकि फल की प्राप्ति में रुकावट आप स्वयं और आपके अपने ही बनेंगे। सुना आपने जब दे, अब ये सारा खेल इस पर निर्भर करेगा कि कितनी दृढ़ता से चाहती हैं। अजब दे, अब उस व्यक्ति का नाम आप बाद में बताइएगा, ठीक है? हाँ, अब फूल की बारी। मन में बसा है कोई आपके, प्रबल संभावना है तो बनेगी कि वो मिल जाए, किंतु किंतु क्या? जैसे ही फल मिलने का समय आएगा आप स्वयं ही रुकावट बन जाएगी अपनी। ओहो, लगता है दोनों राजकुमारियों का लगन जागने वाला है। वैसे पुल कौन है वो सौभाग्यशाली? कोई नहीं, ये चक्रपाणी तो बस ऐसे ही बोलता है। हमें नहीं इन पे विश्वास और ना ही कभी था किसी ज्योतिषी पे। ये जो आपकी विवाद की आदत है ना, उसी के कारण वो अब से पीछा छुड़ा कर भागेगा। पीछा छुड़ा के भागेगा? इसमें विस्मय की क्या बात है? यदि हम होते तो हम भी ऐसी भविष्यवाणी करते। हंस लीजिए बाजीराज, हंस लीजिए, क्योंकि आपको बहुत शीघ्र ही किसी के सामने अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। शहंशाह, गौहरजान का खास पैगाम आया था हमारे पास कि बहुत जल्द वो एक बहुत बड़ी साजिश को सरंजाम देने वाली है और उन्हें यकीन है कि उनके इस वार से प्रताप इस मर्तबा नहीं बच पाएगा। हमारी दरख्वास्त है आपसे कि जिस तरह इतने दिनों आपने इतने सब्र के साथ प्रताप की मौत की खबर का इंतजार किया है, ठीक उसी तरह कुछ वक्त और सही खुदा के लिए अपना ये भेस बदल कर वहां जाने का जो ख्याल है उसे गौहरजान के कामयाबी वाले पैगाम के आने तक मुलतवी कर दीजिए। आप प्रताप की मौत का इंतजार हमने यहाँ खामोश बैठकर बहुत कर लिया है, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं। अब प्रताप की शिकस्त अगर होगी तो हमारे ही हाथों होगी।
देखो चक्रपाणी, बाहुजीराज को कोई शत्रु नहीं हरा सकता। चाहे वो कितने प्रयास क्यों ना कर ले, चाहे वो कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना इकट्ठी कर ले, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए हमें लगता है कि आपके जो ज्योतिष ज्ञान है ना, वो बाहुजीराज पर नहीं चलेगा। युद्ध शत्रु हार जीत, इसके अलावा भी कुछ सोचता आप लोगों को? अरे इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस संसार में करने के लिए। और हर किसी को पता है कि किसी भी शत्रु का आप पर विजय हो पाना असंभव है बाहुजीराज, असंभव। यदि शत्रु नहीं हराएगा तो कौन हराएगा हमें? एक कन्या। कन्या अब बस करिए चक्रपाणी, ये तो और भी अविश्वसनीय है। बाहुजीराज प्रताप जिन्हें बड़े बड़े शत्रु नहीं हरा पाए, उन्हें एक कन्या रहेगी। अरे कन्याओं से तो इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा, जीत हार तो बहुत ही दूर की बात है। हम वो सब नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि बाहुजीराज किसी कन्या के सामने अपनी हार मानने के लिए विवश होने वाला है, और वो भी बहुत ही शीघ्र।